संसद में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की दो महिला सांसदों, एक आदिवासी वर्ग की फूलो देवी नेताम और पिछड़ा वर्ग की छाया वर्मा, इन पर जिस तरीके से भाजपा के पुरुष सांसदों ने और मार्शलों ने हमला किया, वह बेहद शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ की महिला सांसदों का यह अपमान छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूसे बरसाए गए इन महिला सांसदों पर, धक्का दे के गिराया गया और भाजपा के नेता इसको उचित साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? भाजपा के सांसदों ने और भाजपा के द्वारा संसद में मार्शलों ने छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति का और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं का अपमान किया है। संस्कारी प्रदेश छत्तीसगढ़ है, इस पर कोई असहमति नहीं है, लेकिन संसद में जो कुछ हुआ उससे संस्कार टूटे हैं। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि 10 सेकंड का फुटेज जारी करने के बजाय वे पूरे घटनाक्रम का फुटेज जारी करने का साहस दिखाएं, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। हमला करने के लिए, महिला सांसदों पर हमला करने के लिए पुरुष सांसद आए, बाहरी तत्वों को बुलाया जाए, यह कौन सा संस्कार है? भाजपा को बताना चाहिए। संसदीय आचरण और मर्यादा को तार तार करने वाले लोग छत्तीसगढ़ को और कांग्रेस को मर्यादा और नैतिकता की शिक्षा न दें। भाजपा की नैतिकता और मर्यादा तो हम छत्तीसगढ़ के लोग भली भांति जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी भाजपा नेताओं की नैतिकता और मर्यादा को जानते हैं। जब वे पर्यवेक्षक बन के वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ आए थे और उनके साथ जो कुछ हुआ उसको प्रधानमंत्री मोदी भी भूले नहीं होंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी नहीं भूले हैं।